कर्मचारी संघ जो कि TG2 कर्मियों का एकमात्र संघ है। मैं अजय कुमार भारती, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला उन्नाव। हमारी सर ये 18 सूत्री मांगे हैं जो कि हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं 11 अक्टूबर 2021 से। प्रबंधन द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो 18 सूत्री मांगों में से मुख्य मांग है ग्रेड पे, जो हमारी 2600 है उसे हम लोग 4200 कर दिया जाए हम लोग का ग्रेड पे। और फिर हमारी जो दूसरी मांग है मुख्यतः वह आमेलन की है, जिस प्रकार दूर दूर से हमारे जो UPPCL में 5 कंपनियां हैं, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को और पूर्वांचल, जिसमें से कभी बहुत से तकनीशियन साथियों को पूर्वांचल से पश्चिमांचल में तैनाती कर दी गई है जो कि बहुत दूर है। हम लोग चाहते हैं, जो कि TG2 के संविधान में भी लिखा हुआ है, तैनाती के उसमें भी लिखा हुआ है कि TG2 कर्मियों का जो है तैनाती स्थल वो उसके गृह जनपद में हो सकता है, परंतु प्रबंधन द्वारा यह पिछले 2-3 सालों से तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपने मनमाने तरीके से TG2 की जो तैनाती है वह पूरे कंपनी चेंज करके कर दिया जा रहा है, पूर्वांचल वाले को पश्चिमांचल में, पश्चिमांचल वाले को पूर्वांचल में। हम लोग की मांग है कि यह आमेलन पुनः खोला जाए और जो TG2 कर्मचारी हैं अपने परिवार के समुचित देखरेख कर सकें, इस वजह से आमेलन की प्रक्रिया पुनः खोल दी जाए। हम लोग की तीसरी मांग है सर पेट्रोल भत्ता, जिस प्रकार से आजकल जो टेक्नीशियन कर्मी है TG2 वह फील्ड में राजस्व वसूली, विद्युत विच्छेदन आदि कई प्रकार के कार्य कर रहा है, वो भी अपने खर्चे से, उसे कोई भी विभागीय सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है, नहीं कोई अतिरिक्त भत्ता उसे दिया जा रहा है, नहीं पेट्रोल भत्ता। जिस तरह से अन्य सर्वक जैसे अवर अभियंता अधिक उपखंड अधिकारियों को पेट्रोल भत्ता दिया जाता है ताकि वह कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर सके, उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि अगर आप TG2 कर्मियों से ये सब कार्य ले रहे हैं तो उन्हें भी पेट्रोल भत्ता या फिर अन्य भत्ते अन्य संवर्गों की भांति उपलब्ध कराए जाएं। सर हमारी चौथी मांग है टाइम समयबद्ध वेतन मांग। हम लोग की मांग है कि सर हम लोग प्रयासरत हैं, 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग के जो टाइम स्केल